ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, विस्फोटक पदार्थ, फल, अम्ल, ईंधन, दवाइयाँ, साबुन एवं अपमार्जक, अब बहुलक सबको देखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कार्बनिक रसायन क्या होता है? कार्बन के यौगिक के अध्ययन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कार्बन है, श्रृंखला की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है, छोटे छोटे आकार वाले जो होते हैं आपस में अपने जैसे को एक साथ कर लेते हैं। संयोजकता कार्बन की चार होती है। महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक मीथेन है, जिसको CH4 कहते हैं। इसका काम ईंधन के रूप में लिया जाता है। CNG है, इसका उदाहरण CNG है। शेल गैस है, गोबर गैस है। टायरों को काला करने के लिए भी मीथेन का उपयोग किया जाता है। CH4 जो है जल और सेल्यूलोज से जो है मिलकर मीथेन बनाता है, CH4 बनाता है। किसे किसे मिलके? जल और सेल्यूलोज मिलके मीथेन बनाता है। CH4 कहाँ कहाँ पाया जाता है? दलदली भूमि में, धान का खेत में, कोयले की खदान में और चौपाए जानवर से भी मीथेन गैस मिलती है। वायुमंडल में जो है वैश्विक तापन को ही बढ़ाता है। कौन? मीथेन। ओजोन का क्षरण करता है। दूसरा है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन को C3H8 और ब्यूटेन को C4H10 कहते हैं। ये भी ईंधन के रूप में काम किया जाता है। LPG इसका मुख्य उदाहरण है। इथाइल मर्केप्टेन इसमें मिलाया जाता है, काहे के लिए? गंध के लिए। LPG में जो गंध हम प्राप्त करते हैं, गंध हमें सूंघने को मिलता है, इथाइल मर्केप्टेन के वजह कर LPG की गंध हमें मिलती है। तीसरा है क्लोरोफॉर्म, जिसको निश्चेतक यानी बेहोश करने के रूप में लिया जाता है। बेहोश करने के काम में इसको क्लोरोफॉर्म को लिया जाता है। उच्च तापमान पर ये फॉस्जीन गैस बनाता है, जो क्या होता है? जहरीली होती है। एनेस्थेसिया के रूप में यूज करते हैं, यानी के बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है। चौथा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, एंटीपायरीन इसमें पाया जाता है। पेट्रोल एवं डीजल की आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसको सिरका भी कहा जाता है। परिरक्षण पदार्थ यानी प्रिजर्वेटिव मैटर है, उससे कोई सामान खराब नहीं होता है जल्दी। इसके बाद छठा है मिथेनॉल CH3OH, मिथाइल अल्कोहल जिसको कहते हैं। इथाइल अल्कोहल C2H5OH होता है, जिसको एथेनॉल कहते हैं। इसको जो है शराब के रूप में भी जाना जाता है, मदिरा भी कहते हैं, अल्कोहल भी कहते हैं और सोमरस भी कहते हैं भारतीय भाषा में। अल्कोहल दो प्रकार का होता है, तनुकरणीय और अतनुकरणीय। तनुकरणीय में अल्कोहल का प्रतिशत ज़्यादा होगा, पानी डालकर पिया जाता है। अतनुकरणीय में अल्कोहल की मात्रा कम होती है, सीधे उपयोग किया जाता है। तनुकरणीय अल्कोहल जिससे विस्की बनाया जाता है, विस्की 40-50% अल्कोहल की मात्रा होती है, ये जौ से बनाई जाती है। रम 45-55% अल्कोहल की मात्रा होती है, जो गन्ने से बनाई जाती है। ब्रांडी 40-50% अल्कोहल की मात्रा होती है, अंगूर से बनाई जाती है। जिन 35 से
40% अल्कोहल की मात्रा होती है मक्के से बनाई जाती है। अतनुकरणीय ये बियर, बियर जो होता है जिसमें 6-9% अल्कोहल की मात्रा होती है यानी 10% से कम, जौ से बनाई जाती है। शैंपेन 10-15% अल्कोहल की मात्रा होती है, अंगूर से बनाई जाती है। सिडार 2-6% अल्कोहल की मात्रा होती है, सेब से बनाई जाती है। गैसोहॉल पेट्रोल प्लस अल्कोहल, पेट्रोल इसमें 80% होता है और अल्कोहल 20% होता है। कई देश जो है गैसोहॉल का भी यूज़ करते हैं, जिसमें ब्राज़ील बहुत आगे है। पावर अल्कोहल भी इसको कहा जाता है। मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहते हैं।